स्वागत है दोस्तों एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं एक दोस्त से मिलने जो कि है यूट्यूबर और जो उनका जो चैनल है वो है अननोन शिवम के नाम से, और जो कि समस्तीपुर के बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर है जो कि अभी निखर रहे हैं। और इनका बहुत ही कम से अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, और हम भी इसी कैटेगरी में है तो सोचे कि चलो मिल लेते हैं उनसे और कुछ बातें करते हैं कि आखिर मतलब कि ख्याल कैसे आया इसके यूट्यूब के बारे में और क्या परेशानी हुई है अभी तक, मतलब कि जो भी रिलेटेड है इससे सारा वो बातचीत करेंगे और सारा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग पे, और ब्लॉग बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलिए उनसे मिलते हैं। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं और ये रहे शिवम भाई। तो शिवम भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले कि मेरा नाम शिवम है और मेरा चैनल नाम शिवम है, और भाई का सूरज कुमार ब्लॉग्स इनका चैनल का नाम है। और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई हमसे मिलने के लिए आए। भाई अरे अभी हम कुछ हमें मतलब ये जब कॉल की कि नहीं आपसे मिलना है, बोले मिलना तो है लेकिन केवल वीडियोस भी बनाना है। अरे यार वीडियोस हमारे साथ अब क्यों बनाओ, लेकिन तो हम सभी लोग तभी से जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सही बात है कि हम सभी लोग साथ में, लेकिन बोले कि नहीं वीडियोस में आप आइए कुछ बताइए। हम अभी उसको उतना कुछ बताने लायक भाई नहीं है, उतना मतलब ये नहीं है, लेकिन भाई रिक्वेस्ट किया फिर हम लोग अभी साथ में है। और ये करीबन 20 किलोमीटर दूर से हमसे मिलने के लिए आए, और ये हमारे लिए पता बहुत ही बढ़िया है कि भाई यार हमसे बंदा मिलने के लिए आ रहा है। हमें विश्वास नहीं है कि हमसे भी बंदा मिलने के लिए आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। अच्छा सबसे पहली बात, आपका हम ब्लॉग देखते हैं और शुरू से जो भी है, मतलब कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि समस्तीपुर से आप भी है और हम भी हैं। तो एक अपनापन ये लगता है, और दूसरी बात ये है कि चलिए हम दोनों का जो भी फील्ड है वो दोनों सेम ही है। हाँ बिल्कुल सेम ही है, इनका भी ब्लॉग का है मेरा भी ब्लॉग का है। और इसमें हम जैसे कि अभी मतलब इनसे कुछ बातें हुआ है तो ये जो अभी जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो उनका थोड़ा सा क्वालिटी हम बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि ये GoPro से शूट करते हैं और इनका GoPro कौन सा मॉडल? GoPro 8 है। और इन जो GoPro 8 से ये शूट करते हैं, और हमें लगा था कि ये मतलब कि सिस्टम से अपना एडिटिंग करते हैं, पर ये बोले ऐसा नहीं, फोन से एडिट करते हैं। और GoPro भाई बोला कि GoPro से शूट करते, नहीं हम ज़्यादातर कहो कि हम फोन से ही शूट करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं कि GoPro का यूज़ करते। जब हम मोटो ब्लॉग जब हेलमेट में GoPro ज़्यादा यूज हम हेलमेट वाला में करते हैं, और लेकिन ऐसे नॉर्मल में जूम वूम करना होता है, बहुत सारा ऐसे क्लिप है जो फ़ोन से यूज रहता है और फ़ोन से ही बेस्ट है। लेकिन GoPro तो वो हमारे पास है, ले लिए थे तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन से ही करिए जो भी लोग कर भी रहे हैं। तो ये नहीं कि आप ये बोल दिए कि भाई GoPro से करते, तो भाई GoPro से कर नहीं, फ़ोन से ही करिए, लेकिन तो मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप फ़ोन से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है कि स्टार्टिंग में अगर उतना मतलब कि आप नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप फोन से और खर्च करना भी नहीं है, जो है उसी से करना है, और वो हम ले लिए तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर नहीं हो पा रहा तो आप नहीं, आपको लेना नहीं है, ये नहीं करके आपको भी लेके आप GoPro से करिए, आपके पास जो है उसी से करिए। चलिए ये बहुत अच्छी बात कही कि आप स्टार्टिंग आप अपना फ़ोन से कर सकते हैं, जो कि आपके पास जो भी स्मार्टफोन है उससे कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हैं। और एक टॉपिक आपको चुनना पड़ेगा, लाइक अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कोई भी जिस टॉपिक से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, और उसे उस पर रेगुलरली अगर वर्क करते हैं तो आप अच्छे खासे यूट्यूबर बन सकते हैं शिवम भाई। नहीं, नहीं, भाई हम अच्छे खासे यूट्यूबर बनने की बात है, वो तो डिपेंड करता है कि किसका कितना मेहनत होता है, चाहे वो हमारा मेहनत हो चाहे इनका मेहनत हो, और जो भी लोग हैं उनका डिपेंड करता है पब्लिक का प्यार, मतलब पब्लिक के साथ कैसा उनका बना हुआ है, कैसा बन रहा है, कैसा बना रहा है, कैसा सब कुछ करे, उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। और बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर ऐसा कुछ हमें नहीं होता है, सभी लोग सेम ही होते हैं, बस लोगों को लग जाता है कि नहीं वो ऐसे होंगे, लेकिन वो मिलने के बाद पता चल जाता है कि कौन लोग कैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में हम भी सोचते थे कि अरे उनसे मिलने जाएंगे तो वो कैसे होंगे, उनसे मिलने जाएंगे तो वो कैसे होंगे, लेकिन नहीं, अब हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं कि नहीं है, मतलब सभी लोग जैसे जैसे ऐसे रहते हैं वैसे सभी लोग हैं। और देख रहे हैं कि ये गमछा है तो इसको इग्नोर तो नहीं करिए, क्योंकि बिहार से है, बिहारी है, गमछा
गमछा है तो भाई गमछा ये हमारा शान है, तो गमछा देख के अगर आपको लग रहा है कि यार तो ऐसा वैसा मत सोचिएगा कि हमको लाइए। और हमारे ब्लॉग्स में आपको गमछा दिखेगा, हम बहुत सारे ब्लॉग्स में हम गमछा से ही नहीं जरूरत भी पड़ता है, अगर आप जैसे कि रोड साइड एरिया में चले गए या फिर बहुत सारे धूप में अगर पड़ गए तो गमछा तो आपको लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग बैग में रखते हैं लेकिन हम इसी पे रखते हैं, थोड़ा बैग में रखते हैं अच्छा फील होता है, हमको अच्छा फील होता है गमछा। हम अच्छा है। कभी अगर कहीं जाना होता है तो मेरा बैग में हमेशा गमछा रहता है। अच्छा भैया ये बताइए कि आप आपके पास फोन कौन सा? भैया मत बोलिए, ये हमसे सीनियर वीनियर होंगे हम। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये फोन कौन सा यूज करते हैं। तो जिस टाइम ना हम शुरू किए थे मेरे पास ओप्पो का A3S था जिसका 2GB रैम था और 16GB इंटरनल था। उसके बाद बहुत सारा हम लगभग 1000 सब्सक्राइबर तक हम उसी से बनाए थे और उसका वो मॉडल बहुत पुराना हो गया था तो वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मैं तो एक्सपोर्ट करने टाइम में ना 2-3 बार वापस फेंक देता था। तो अभी मेरे पास ये है पोको का X3 है, पोको X3 है। तो मतलब जैसे जूम का काम होता है जहाँ पे ब्लॉगिंग में जूम करना हो या फिर फोन से करते हैं, फोन से करते हैं और जो भी ब्लॉगिंग है नॉर्मल वो अपना वो अभी हम GoPro से करते हैं अभी। हाँ अभी रेगुलर अभी वो हम GoPro से करते हैं। चलिए तो बहुत बहुत बधाई भाई यहाँ तक पहुँचे हो और हम भगवान से भी दुआ करते हैं कि भाई तुम आगे तक जाओ। ठीक है भाई साहब ऐसा ऐसे बोल रहे हैं ना कि जैसे और भाई मतलब। और एक खास बात, भाई का यहाँ चैनल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना अननोन सिमा और प्लीज सब्सक्राइब कर देना जाके देखिएगा। और ये भाई का भी बहुत मतलब बहुत ये अरे हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितना ये कर रहे हैं उतना हम भी अपनी जगह पे हम भी कर रहे हैं और भी जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं सभी लोग मेहनत हम भी कर रहे हैं तो हमारे साथ ये आप भी करिए ये भी करिए और सभी लोग धीरे 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 ऑटोमेटिक से आगे भी सभी लोग निकलेंगे। मतलब मेहनत जिनका जैसा रहेगा सभी लोग धीरे धीरे निकल ही जाएंगे, वो पता है कि मेहनत करने के बाद ही मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा मिलने बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता आज के टाइम में। भर भर रात जग जग के मेहनत करना पड़ता है, आपको अगर नहीं विश्वास है तो चैनल इनके भी चैनल पे देख लेना हमारे भी चैनल पे देख लेना कि कितना मेहनत होता है। चलिए बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए। अरे भाई आए हुए थे और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमें मतलब हम नहीं समझ सकते कि यार बंदे हमसे मिलने आके हमारे साथ वीडियो बना के ऐसे ऐसे, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये भाई को लगा कि नहीं अब इनके साथ मिलने इनसे मिलना चाहिए बनाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग भी अगर किसी लोग अगर इस YouTube में है तो अगर वीडियोस बना रहे हैं तो ये ज़रूरी है, हम भी किसी और से मिलते रहते हैं ये भी किसी और से मिलते रहते हैं, ये इससे होता क्या है ना कि आप अगर इसमें काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये हम आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि ये हमसे मिल लिए तो हमसे बहुत कुछ ये मतलब हम बहुत बड़े विद्वान हैं जो इनको बहुत सारा कुछ बता दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ होता है नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत इस फील्ड में सीनियर है और कुछ पता चल जाता है। नहीं सीनियर नहीं है, सीनियर तो आप हैं, सीनियर हम कहाँ हैं, तो पता चलते रहता है। तो सभी लोग जो भी लोग इनके चैनल पे अगर कुछ लोग जो यूट्यूब पे हैं तो सभी लोग मेहनत आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे। और लास्टली बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, सूरज भाई हम लोग लगातार हम मिलते रहेंगे तो फर्स्ट टाइम था अब बहुत मतलब मिलते रहेंगे ऐसे। ओके तो ये छोटा सा वीडियो जिसमें भैया जिसमें ये भैया अच्छा ओके तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था, ये कुछ खास इस वीडियो में नहीं है, ये कुछ जगह हुआ को नहीं दिखाया गया, कोई नया चीज नहीं दिखाया गया है, लेकिन मीटअप हुआ, मीटअप भी नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही मुलाकात का वीडियो था और हमें भी मौका मिला इनके चैनल पे आने का, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। तो अभी के लिए इतना ही और भाई का सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जितने भी लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर वेयर कर दिया करिए, क्योंकि पता है ना कि आप लोग के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके लिए, तब मतलब बढ़िया बढ़िया काम होता है तभी तो मतलब और कुछ आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है। और कमेंट्स जितना ज्यादा हो सके ना आप लोग किया करिए, क्योंकि कमेंट्स से जो मोटिवेट मिलता है ना वो किसी से नहीं मिलता, वही ज्यादा मैटर रखता है कि कमेंट्स में लोग पढ़ते हैं तब वो आगे फिर आगे का प्लानिंग करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही और भाई को सभी लोग को हमें भी सपोर्ट करिए, इनको भी सपोर्ट करिए और भी जितने भी लोग आपको मिलते हैं सभी को सपोर्ट करिए और प्यार बनाइए। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक बहुत जल्द हम लोग साथ में एक वीडियो में मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे भाई। ठीक है आज के लिए इतना ही और भाई से मिलकर हमें
मोस्टली हमें बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम आज मतलब कि फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हैं और जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, अच्छा खासा समस्तीपुर से उभरता हुआ यूट्यूबर है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ भाई मतलब मिल भी पाएंगे। नहीं ऐसा क्या बात है कि मिल भी पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी आप हमारे चैनल पे आइए, आप हमें देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें फॉलो करिएगा और जब मिलना उलना वाला सीन अगर हुआ तो आप यही चेक हमको बताइएगा, जरूर मिलेंगे, ऐसा वाला बात मत सोचिएगा। हाँ, अगर किसी कारण बस ही होता है जो मतलब नहीं होता, अगर मतलब नहीं रहते हैं जैसे कि घर पे अगर नहीं रहते हैं तब थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि क्रिएटर का पता नहीं है कि अब आज कहाँ है कल कहाँ है, तो वो पता नहीं ना रहता है। इसी चक्कर में ये भाई भी 10 दिन पहले एक बार मैसेज मतलब बोले थे कि मिलना, हम बोले भाई दुर्गा पूजा के बाद 10 दिन के बाद ही, ये कोलकाता में थे और मतलब कोलकाता में दुर्गा पूजा से रिलेटेड बहुत सारा ब्लॉग शूट कर रहे थे तो उस टाइम तो आ नहीं सकते और हम भी अभी घर पे थे तो बोले कि हाँ 15 के बाद मिलते हैं, तो हम कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम उतना वेट कर लेंगे, तो 15 के बाद बोले कि ठीक है हम आ गए हैं तो चाहो तो आ सकते हैं। हम कहे हम क्यों, हम तो पहले से ही तैयार थे कि हाँ जब जब मिलो तब हम आ जाएंगे भाई। चलिए ठीक है, और जो भी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए, और लास्टली फिर से बोलना है सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है हम लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और नीचे यहाँ पे टाइटल में टैग भी कर देंगे, तो प्लीज जाके विजिट करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक अच्छे से ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।